मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन में लंबे समय से मंत्री रहे बिसाहूलाल सिंह के गृह जिले अनूपपुर में मीडिया की टीम विकास देखने पहुंची तो जिले से विकास नदारद नजर आया। जिले में बदहाली के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मंत्री जी का ये विकास देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वहीं जब मीडिया की टीम ने जनता से पूछा कि क्या क्या आपको शासन की सुविधाएं मिल रही है, तो जनता ने तपाक से कहा कि सड़कों की हालत आप देख सकते हैं, इतनी खराब स्थिति में है कि जनता बेहद परेशान हो चुकी है। लंबे समय से बिसाहूलाल सिंह इस जिले से और यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। जबकि मंत्री भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें ये रास्ता दिखाई नहीं देता है। पानी की समस्या भी है क्षेत्र में, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है और ना ही शिक्षा का बेहतर हाल है। जिले में बदहाली के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्री ने अपने गृह जिले में विकास किया है। ।2023 का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज हम जिस ग्राम क्षेत्र पे खड़े हैं वो मंत्री बिसाहूलाल सिंह का क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसा विकास हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विकास की कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा विकास दिखाइए। ये विकास है कि ये गड्ढा है कि सड़क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मंत्री भी यहाँ से गुजरते हैं। मंत्री कहते हैं कि अभी कुछ काम बाकी है, पर वो कौन सा काम बाकी है वो तो दिख रहा है कि 10 किलोमीटर तक सड़क या कहें जतहरी मोजर बियर प्लांट से लेकर उनके गृह ग्राम परासी तक सड़क खड्डों में तब्दील हो गई है। अब उसे कुछ कहना बाकी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कौन सी विकास है। क्या मंत्री जी इस साइड से उस साइड नाचेंगे तो विकास होगा? क्या जनता तक विकास कभी पहुंच पाएगी या सिर्फ राजनेताओं तक विकास रहेगा? बने रहिए एमके न्यूज के साथ। ओंकार सिंह की खबर। नहीं मिला राशन, मिल रहा है, बिजली है, पानी की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? पानी फिर कैसे लेके जाते हैं आप? बोरिंग से लेके जाते हैं। उज्ज्वला गैस सिलेंडर आपको मिला? नहीं मिला। कभी आपने अपने जनप्रतिनिधियों को देखा? आपके क्षेत्र के मंत्री और विधायक कौन है? बिसाहूलाल जी कभी दर्शन मिले? कै बार मिला? वोट के समय में, उससे पहले नहीं। इस बार वोट आप किसको देना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस को? अभी तो हम लोग अपने डिसाइड नहीं किए हैं भैया, हैं? अब देखते हैं कि कौन आता है, कौन क्या करता है। अब हम लोग तो बार बार उनको बोले कि हमारा जिसे हम आपको वोट दिए, तो उस समय तो बीजेपी के दिए कि यहाँ हमारे पानी के साधन बना दीजिएगा, और जिसे हम लोग के गांव में कुछ किसी को डेथ होता है तो लेके जाने का हमको सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, हैं? जिसे हम लोग के बांध आ लिया, ये पावर प्लांट बना लिया, तो उसके माध्यम से हम लोग को नहाने में बड़ा परेशानी होता है। सब जिस लोग बाग आते हैं, सर से आन आते हैं। तो सिंह जतहरी से लेके ध्रुवासिन तक का रोड कैसा है? बहुत गंदा है सर। बहुत गंदा है। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होती है? नहीं होती है। कभी आप लोगों ने कोशिश किया? नहीं सर, ये सब चीज़ हम लोग अब शाम को ड्यूटी में रहते हैं, ड्यूटी रहते तो अपना गाँव खेती बाड़ी के। यादव जी, आपके गाँव में क्या क्या सुविधा मुहैया है? हमारे यहाँ भी रोड खराब है, पानी की सुविधा नहीं है। कितने सालों से ये रोड ऐसे चल रही है? साल दो साल से रोड खराब। दो साल से। जनप्रतिनिधि से पहले आपने कभी देखा? चुनाव से पहले? चुनाव से पहले नहीं आए थे। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? बिसाहूलाल जी। तो पानी की क्या सुविधा है आपके यहाँ? पानी की सुविधा मिल नहीं रहा है। पानी फिर किससे उपयोग में लाते हैं? पानी कुआं से, हैंड पंप से। समय आपका? हीरालाल जी, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जैसे आपने गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, परासी है और ये मंत्री जी का भी क्षेत्र है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा आप लोगों को कैसे मिल पा रही है? डॉक्टर रहते हैं? जी सर, पहले फर्स्ट टाइम रहते हैं, सेकंड टाइम को। लगभग कितने समय तक रहते हैं? वही 2-2.5 बजे तक। उसके बाद अगर आपको आना हुआ और दिखाना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? हो गए, सिस्टर लोग रहते हैं। सिस्टर लोग और केमिस्ट बैठता है? केमिस्ट बोले तो समझ नहीं। जो दवाई बांटता है वो नहीं रहते? वो नहीं रहते, नर्स ही बांटती है। यादव जी, आप ये कौन से ग्राम पंचायत है? फसला। यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिला है? अभी यहाँ सुविधा पानी के नहीं मिल रहा है, पानी के रोड भी खराब पड़ा हुआ है। रोड भी खराब है। कभी जनप्रतिनिधियों को देखा है आपने? हाँ, आते हैं आपसे पूछते हैं। भी आए थे विधायक लोग, कोई नहीं पूछते पहले? उसके पहले नहीं आए हैं।
ऐसा सड़क सड़क है, अच्छी सड़क है, खराब है, खराब है सड़क। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या क्या विकास हुआ, कभी राजनेताओं को देखा कि नहीं, उन तक सुविधाएं और सरकार की योजना उन तक पहुंच पाई है कि नहीं। हम ये बहन जी खड़ी हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? पटेल जी, आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल पा रहा है क्या? जी, मिल पा रहा है। कितने दिनों से लाभ ले पा रही हैं? अभी दो चार महीने से। आवास है आपके पास? नहीं है। सड़क है? जी है। सड़क है। बिजली पानी? बिजली पानी है, लेकिन राशन कार्ड हमारा 10-12 साल हो गया, पंचायत से हमारा कुछ लाभ नहीं। क्या नाम है आपका? पटेल जी, आपको आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है? लाडली लक्ष्मी। स्वास्थ्य का लाभ? नहीं मिले, यहाँ बने हैं। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं है। जब आप बीमार होते हैं आप कहाँ जाते हैं? अनूपपुर जाते हैं। यहाँ कोई मतलब स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लगभग कितने की आबादी है इस गांव की, कुछ पता है आपको? नहीं मालूम है। राशन कार्ड बना? क्या करते भैया? खेती किसानी। खेती किसानी। क्या नाम है आपका? मन्ना राम पटेल। आवास योजना का लाभ मिला है? मेरे को पंचायत से कुछ लाभ नहीं मिला है, जहाँ तक की मेरे को राशन कार्ड भी मिलता तो वो भी बीच में बंद कर दिया। क्यों राशन कार्ड बंद हो गए आपके? बोल रहे थे आईडी गलत है, ऐसा वैसा है, आज निकल जाएगा। करीब मैं 10 साल परेशान हो गया। पटेल जी, जैसे कि आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? मैं डायग्री करता हूं। आप इसी क्षेत्र में करते हैं कि बाहर जाते हैं? बाहर जाता हूं, यहां कोई रोजगार नहीं है। यहां रोजगार में माइंस खुला, वहां के दुनिया के बाहरी आप डायग्री कर रहे हैं। हम लोग गए तो 50,000 रुपए रिश्वत मांगा। कौन मांग रहा? कंपनी वाले मांग रहे, जनप्रतिनिधि? कंपनी जुड़े हुए लोग। कंपनी जुड़े हुए लोग, अपन तो बात कर नहीं सकते। जैसे किसी थ्रू जा रहे हैं तो 50,000 दो। हमारे गांव में एक प्रकार का कहेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क पानी बिजली आवास, अरे ये तो कोई भी या तो दे सकता है। बिजली पानी ये हमारे यहाँ मान लीजिए कि रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मामले में कोई वो नहीं, कोई रोजगार नहीं। जो रोजगार रहा वो भी बेरोजगार हो गया। जी, खेती का समय हो चुका है, अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है। जैसे कि सरकार ने कहा है कि शिवराज सिंह ने 6,000 मैं दूंगा, 6,000 मोदी देंगे, तो क्या 12,000 का लाभ आपको मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है सर, मैं 2-4 साल से मतलब परेशान हो गई हूँ मैं तो। ये जो खेती का जो पैसा मिल रहा है सरकार सबसे पहले देता है, उसमें मेरे को लाभ नहीं है। वो पटवारी मतलब क्या कहते हैं, पटवारी कुछ रुपयों की मांग कर रहे हैं? मांग किया है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन है उसके माध्यम से, लेकिन वो मेरे को लाभ नहीं मिल रहा। मैं 2-4 साल से परेशान हूँ। अभी जब आप स्वास्थ्य केंद्र में गए तो डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, सिस्टर, दो सिस्टर है। सिस्टर तो आप फिर कभी जैसे जाते हैं तो डॉक्टर से मुलाकात होती है? हाँ, उस टाइम तो रहते हैं। किस टाइम? पहले टाइम रहते हैं। पहले टाइम, उसके बाद नहीं रहते हैं? इस टाइम तो गई नहीं हूँ, आज बस गई हूँ तो आज सिस्टर दो रहे। तो पहले नहीं रहते सिस्टर? पहले टाइम रहते हैं, मगर ये उस टाइम डॉक्टर भी रहते हैं, सिस्टर भी रहते हैं। इस टाइम अभी गई बच्चे को वो लेने तो डॉक्टर नहीं थे। तो आप जनता के इस जनमत से पहले का इस मत को देखिए और समझिए कि लंबे समय से सरकार में मंत्री रहे बिसाहूलाल सिंह अपने ही जिले में किस तरह का विकास कर पाए हैं। क्षेत्र में ना तो सड़क, ना स्वास्थ्य और ना ही बिजली पानी, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं का जिले में टोटा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जिले में किसका विकास हुआ है, जनता का या फिर नेता का।